जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, सुखी और समृद्धशाली होंगे। दोस्तों, रविवार का दिन और माह महीने का जो रविवार हुए, पहला रविवार, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। सूर्य देवता आप शायद जानते ही होंगे, सूर्य शनि देव के पिता हैं और इसी महीने में सूर्य शनि देव के घर रहने जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि किसी बात पर शनि देव से सूर्य देव नाराज थे और इसी जब मकर संक्रांति मनाई जाती है उस दिन सूर्य देव वापिस शनि देव से प्रसन्न होते हैं और उनके घर जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिलेशन बाप बेटे का, पिता पुत्र का। यदि आप अपने रविवार को, अपने सूर्य ग्रह को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो रविवार का दिन, रवि, रवि मतलब सूर्य और उसी का बार, यानी आप यदि आपके सूर्य ग्रह कमजोर होगा तो आपका कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा। आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं होगी। आप नौकरी के लिए दर दर भटक रहे होंगे, लेकिन आपकी नौकरी, जो आप मन चाही नौकरी चाहते हैं वैसी नौकरी आपको प्राप्त नहीं होगी। आपके यहाँ यदि कोई ऐसी बीमारी, किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में बीमारी आती ही रहेगी, परिवार का मेंबर कोई ना कोई आकस्मिक दुर्घटना से परेशान होता रहेगा। सूर्य ग्रह एक बहुत मजबूत ग्रह होता है और जिसका सूर्य ग्रह मजबूत होता है उसका जीवन सफल होता है, और जिसका सूर्य ग्रह कमजोर होता है, जो शनि देव जैसे देवता को भी अपने गुस्से से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप मान लीजिए कि सूर्य कितने शक्तिशाली हैं। आप यदि आपके सूर्य कमजोर, सूर्य ग्रह कमजोर होता है तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज मैं आप अपना सूर्य ग्रह कैसे मजबूत करें, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही बताने वाली हूँ। आप अवश्य शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप रविवार के दिन सुबह जब सूर्योदय होता है उससे कुछ समय बाद, एक दो घंटे बाद तक, यदि कोशिश कीजिए जैसे सूर्योदय होता है आप स्नान कर लेते हैं तो आप अवश्य सूर्य नारायण को जल समर्पित करें। यदि नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से आप लेट हो जाते हैं, तो आप एक दो घंटे बाद तक तो कर ही दें। आप तांबे का लोटा लें, तांबे का कलश, उसमें जल डालें। जल में आप अवश्य रूप से आप या तो जो लाल मिर्ची के साथ दाने होते हैं, सूखी मिर्ची के दाने आप डाल सकते हैं, और यदि नहीं तो एक फूल लाल रंग का वह डालें। यदि वह भी नहीं डाल सकते हैं तो आपको चंदन तो अवश्य ही डालना चाहिए। रविवार की रविवार आप जब सूर्य देवता को जल समर्पित करते हैं उसमें लाल रंग का पुष्प या आप चंदन, लाल चंदन अवश्य डालें, बहुत ही उत्तम होता है। आप सूर्य देवता को मना लेते हैं तो आप सोच लीजिए कि आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, एक और बात आप ध्यान रखिए कि आप पूरे वीक में एक दिन ऐसा बनाइए, संडे का दिन, रविवार का दिन, आप अपने घर में जो भी आपसे बड़े हैं उनके चरण स्पर्श अवश्य कीजिए। यदि आपके पिता हैं तो आप उनके रविवार के दिन अवश्य चरण स्पर्श कीजिए। यदि उनका आशीर्वाद आपके साथ रहा तो आपका जीवन, पूरा की पूरा जीवन आपका उत्तम हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब सूर्य देव ही शनि देव से, अपने पुत्र से नाराज हो सकते हैं, और जब खुश हुए तो शनि देव को पूरा पूरा आशीर्वाद प्रदान किया। वैसे ही यदि आप अपने पिता का सम्मान करते हैं तो आप मान कर चलिए, जो अपने माता पिता का सम्मान पूरा करता है उसके जिंदगी में कष्ट कब आते हैं और कब निकल जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। साथ ही मैं आज आपको ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसे कर आप अपनी सारी समस्याओं का, यदि धन संबंधी समस्या है या आपको पूरा मान सम्मान समाज में और दोस्तों के बीच में या परिवार में सम्मान नहीं मिल रहा है, आप यह उपाय करते हैं तो आपको अवश्य मान सम्मान भी प्राप्त होगा और लक्ष्मी भी आपके घर अवश्य हमेशा के लिए विराजित हो जाएगी स्थिर रूप से। दोस्तों, जब आप रविवार के दिन सुबह स्नान करके पूजन करने बैठते हैं, आप थोड़ा सा चंदन
अपने मस्तिष्क पर अनामिका उंगली से अवश्य प्रेशर देकर लगाएं, क्योंकि जब आपके मस्तक पर ये चंदन लगाते हैं आपका सूर्य ग्रह मजबूत होता है इससे। और उसके बाद आप किसी से भी मिलते हैं, आप मान कर चलिए सामने वाला व्यक्ति आपका मान सम्मान अवश्य करेगा और आपके प्रति आकर्षित भी होगा। जो भी आप चाहते हैं, आपने वह चंदन लगा के यदि घर से बाहर जाते हैं, आप कोई कार्य के लिए निकल रहे हैं, आपने वह चंदन लगा लिया, तो आप यह मानकर चलिए कि आपका वह कार्य सफल ही होगा। आप अवश्य करें, सिर्फ छोटा सा उपाय है और आपको ही नहीं, रविवार के दिन आपके परिवार के सारे मेंबरों को आपको चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। बहुत ही छोटा उपाय लेकिन बहुत ही अचूक उपाय। आप कोई भी समस्या से ग्रस्त हैं तो भी आप ये कार्य करके देखें। आपको कोई पूजन पाठ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चंदन का तिलक हर रविवार आप करके देखें। आप लाल चंदन का भी लगा सकते हैं, सफेद चंदन का भी लगा सकते हैं, क्योंकि चंदन का तिलक लगाने से सभी देव देवता प्रसन्न होते हैं, खासकर सूर्य देवता। और रविवार के दिन आप लगाते हैं तो सूर्य देवता अपना पूरा पूरा आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं, आप पर और आपके पूरे परिवार पर सूर्य देवता की कृपा हमेशा बनी रहे। साथ ही आप मेरे वीडियो को पूरा देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपका दोस्त या कोई फ्रेंड, रिश्तेदार परेशानी में है, तो आप अवश्य उसके साथ शेयर करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।